कंटेस्टेंट को ले आइए, कम ऑन। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, कैसी हैं? कैसे रहेंगे सर, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, बस जैसे चल रहे वैसे ही चला रहे सर। जी आपका नाम क्या है सर? सर मैं इससे पहले भी इंडियन आइडल में आया था तो मैं आपको अपना नाम बताया था, लेकिन हम फिर से पूछ रहे तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमारा नाम प्रतीक है सर। प्रतीक जी आप कितने साल के? मैडम जी हम 19 साल के हैं। आप 19 साल के? जी मैडम जी मैं 19 साल का हूँ और मैं 12th का एग्जाम देकर आया हूँ। 12th का एग्जाम देकर आया हूँ? इतने छोटे हैं? Yes. Oh my God. प्रतीक जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इंडियन आइडल में आने का आपका मकसद और क्या सपने हैं? मैडम जी इंडियन आइडल के मंच पे आने के पीछे एक बहुत ही ज्यादा राज छुपा हुआ है। हम बहुत ही गरीब आदमी थे मैडम जी, मुश्किल से हमें आपका YouTube पे हमने वीडियो देखा था, इंडियन आइडल का वीडियो, लेकिन जब इंडियन आइडल का वीडियो हमने देखा तो हमें भी ऐसा लगा कि म्यूजिक एक ऐसा जरिया है जहाँ से गरीब से हम अमीर बन सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं। तो हम जब म्यूजिशियन जो म्यूजिक सिखाता है हम उनके पास गए तो वो हमसे 15,000 की मांग करने लगे, लेकिन हमारे पास उस समय उतना पैसे नहीं थे क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग थे। तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और पैसे जमा किया, और जब हम म्यूजिक सीखने जा ही रहे थे तब हमारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो हमने अपने पापा को डॉक्टर को हॉस्पिटल में एडमिट किया। बाद में पता चला कि मेरे पापा को कैंसर हो चुका है, और फिर उसके ऑपरेशन के लिए हमें 12,00,000 रुपये डॉक्टर को देना पड़ा, और हमने गाँव का घर बेचा, तब जाके हमारे पापा को ऑपरेशन हो चुका। ऑपरेशन होने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम रोड पर आ गए थे, हम रोड पर ऐसे फेंका हुआ जो भी खाना खा के फेंक देते थे, होटल से फेंका हुआ खाना उठा के हम खाते थे मैडम जी। हमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हमने जहाँ लोग फेंक देते थे खाना वहीं उठा के खा लेते थे, लेकिन हमें ये म्यूजिक सीखने का बहुत ज़्यादा जुनून था, बहुत ज़्यादा इच्छा थी मुझे, तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, इतना काम किया, मजदूरी लेबर गिरी काम किया मैंने, और तब जाके हमारे पास 15,000 हो पाया। तो हमने म्यूजिक म्यूजिक सीखने के बाद हम इंडियन आइडल में आ गए, और हमारा बस एक ही इच्छा है कि हम इंडियन आइडल में जीते। हमें अगर गाना आपको हमारा गाना अच्छा लगे तो हमें कुछ पैसों की मदद कीजिए कि हम अपने गांव को अपने घर को हम वापस ले सकें, और हमें कुछ मदद हो मैडम जी। अच्छा सा कुछ गा दो यार, हम तरस रहे। Ready? Come on, walk कि जाके कबूतर मेरे सनम से इतना कह देना कि जैसे लूटी मेरी दुनिया किसी की लूटे ना, किसी का प्यार न छूटे, किसी का प्यार न टूटे, किसी का प्यार न टूटे, किसी का प्यार न टूटे। जाके कबूतर मेरे सनम से, जाके कबूतर मेरे सनम से इतना कह देना किसी का प्यार न टूटे, किसी का प्यार न टूटे, किसी का प्यार न टूटे, किसी का प्यार न टूटे। राहों में बेगाने हो गए, दुनिया में मेरे प्यार के अफसाने हो गए, जैसे फूटा मेरा मुकद्दर, जैसे फूटा मेरा मुकद्दर किसी की फूटे ना। अच्छा सच्चे दिल से ये बताइए कि आप हमसे प्यार करते हैं क्या? वाह, लेकिन ये खाली स्टेज पर प्यार रहेगा कि आगे भी बढ़ेगा प्यार?
कि जैसे लूटी मेरी दुनिया, हर किसी की लूटे ना, किसी का प्यार न टूटे, किसी का प्यार न टूटे, किसी का प्यार न टूटे, किसी का प्यार न टूटे। अच्छा मेरी वफाओं का तुमने सिला दिया, लेके मेरे प्यार में गम का बता दिया। जैसे छूटा मेरा दामन हो, जैसे फूटा मेरा दामन, किसी की छूटे ना। अच्छा आप पहले प्यार किए थे ना किसी से, ऐसा लग रहा है आपके आपके मुस्कान से, कि जैसे छूटा मेरा दामन, हर किसी की छूटे ना, किसी का प्यार न छूटे, 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 किसी का प्यार न छूटे। हमारे वीडियो पे स्वागत है ना सभी लोग को, दिल से धन्यवाद कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है, दिल से शुक्रिया। और आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, 1,60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, 0 से लेकर 1,60,000 तक से, पर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पर अभी तक सिल्वर प्ले बटन नहीं आ पाया, कुछ कारणवश नहीं आ पा रहा है, एंड जल्दी आ जाएगा, फटाफट 2,00,000 करवा दो, बहुत ज़्यादा करीब है गाइस, बहुत ही ज़्यादा करीब है, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो दोबारा देना चाहते हो तो बेल